70 करोड़ के काले धन को सफेद करने के मामले में दिल्ली के वकील रोहित टंडन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी के दौरान रोहित टंडन के दफ्तर से 13.65 करोड़ रुपए भी बरामद किए गए। दिल्ली के वकील रोहित टंडन का कोलकाता के रियल एस्टेट कारोबारी पारसमल लोढ़ा और चेन्नई के कारोबारी शेखर रेड्डी से रिश्ता बताया जा रहा है। दरअसल सबसे पहले वकील शेखर रेड्डी के दिल्ली दफ्तर पर छापा पड़ा, जिसमें करीब 13.65 करोड़ का कैश बरामद किया गया, जिसके बाद मामले की छानबीन करते हुए एजेंसियां चेन्नई के कारोबारी और हवाला ऑपरेटर शेखर रेड्डी तक पहुंची, जहां रेड्डी के घर से 170 करोड़ कैश बरामद हुआ। इस कड़ी में जुड़ा तीसरा नाम कोलकाता के रियल एस्टेट कारोबारी पारसमल लोढ़ा का है। दरअसल लोढ़ा ही वो शख्स है जो रेड्डी और टंडन के पुराने नोट यानी काले धन को सफेद करने के काम में लगा था। इस खुलासे के बाद पारसमल लोढ़ा भागने की फिराक में था, लेकिन वो पकड़ा गया। वहीं काले को सफेद करने के मामले में रोहित टंडन की मदद करने वाले कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर आशीष कुमार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पेशे से वकील रोहित टंडन लॉबिंग का भी काम करता है। इसके पिता पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। 6 अक्टूबर को इनकम टैक्स रेट के बाद रोहित टंडन ने 125 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। यही नहीं, 21 दिन पहले भी इनकम टैक्स ने इसी व्हाइट हाउस में रेड करके 1.25 करोड़ के नए नोट पकड़े थे। रोहित टंडन ने साल 2014 में दिल्ली के पॉश जोरबाग इलाके में 100 करोड़ में कोठी भी खरीदी थी। 70 करोड़ के काले धन को सफेद करने के मामले में दिल्ली के वकील रोहित टंडन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी के दौरान रोहित टंडन के दफ्तर से 13.65 करोड़ रुपए भी बरामद किए गए। दिल्ली के वकील रोहित टंडन का कोलकाता के रियल एस्टेट कारोबारी पारसमल लोढ़ा और चेन्नई के कारोबारी शेखर रेड्डी से रिश्ता बताया जा रहा है। दरअसल सबसे पहले वकील शेखर रेड्डी के दिल्ली दफ्तर पर छापा पड़ा, जिसमें करीब 13.65 करोड़ का कैश बरामद किया गया, जिसके बाद मामले की छानबीन करते हुए एजेंसियां चेन्नई के कारोबारी और हवाला ऑपरेटर शेखर रेड्डी तक पहुंची, जहां रेड्डी के घर से 170 करोड़ कैश बरामद हुआ। इस कड़ी में जुड़ा तीसरा नाम कोलकाता के रियल एस्टेट कारोबारी पारसमल लोढ़ा का है। दरअसल लोढ़ा ही वो शख्स है जो रेड्डी और टंडन के पुराने नोट यानी काले धन को सफेद करने के काम में लगा था। इस खुलासे के बाद पारसमल लोढ़ा भागने की फिराक में था, लेकिन वो पकड़ा गया। वहीं काले को सफेद करने के मामले में रोहित टंडन की मदद करने वाले कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर आशीष कुमार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पेशे से वकील रोहित टंडन लॉबिंग का भी काम करता है। इसके पिता पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। 6 अक्टूबर को इनकम टैक्स रेट के बाद रोहित टंडन ने 125 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। यही नहीं, 21 दिन पहले भी इनकम टैक्स ने इसी व्हाइट हाउस में रेड करके 1.25 करोड़ के नए नोट पकड़े थे। रोहित टंडन ने साल 2014 में दिल्ली के पॉश जोरबाग इलाके में 100 करोड़ में कोठी भी खरीदी थी।